नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर। और रेलवे स्टेशन पर आप देख सकते हैं तमाम कुली यहाँ पर मौजूद हैं जो कि सामान उठाने का काम करते हैं। आपने कुली मूवी भी देखी होगी जो कि अमिताभ बच्चन ने उसमें किरदार निभाया था कुली का। उन्होंने कुली की पीड़ाओं को सबके सामने दिखाया भी था और उनकी समस्याएं जो हैं वो रखी भी थी। उन्हीं समस्याओं से ये लोग ग्रस्त हैं। आज भी इनको जो इन्हें मिलना चाहिए सरकार की तरफ से वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, जैसे कि इनको पक्का किया जाना चाहिए। इनके साथ कई बार ऐसी दुर्घटनाएं घट जाती हैं, जैसे कि ये लोग जब ट्रेन में सामान चढ़ाते हैं और पीछे से कोई ट्रेन आती है तो इनका कई बार दुर्घटना में अंग तक कट जाते हैं, जिसका इन्हें खामियाजा पूरी ज़िंदगी भर भुगतना पड़ता है। इसलिए क्योंकि ये लोग पेट के खातिर काम कर रहे हैं। अगर ये पेट और परिवार ना होता तो शायद इन्हें काम भी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। कहीं ना कहीं सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। ये लगातार नई दिल्ली के जंतर मंतर भी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, अपनी मांगे सरकार के समक्ष रख चुके हैं। इनके अध्यक्ष भी आए थे और उन्होंने भी मांगों को रखा सरकार के समक्ष। कहें तो पप्पू यादव जो कि बिहार से सांसद हैं, उन्होंने भी इनकी मांगों को सरकार के समक्ष रखा, लेकिन सरकार क्यों नहीं सुन रही है? क्या समस्याएं? पहले आपका नाम जानना चाहिए। नाम हरी। हरी, क्या समस्याएं हैं? समस्या साहब, ये हमें कागे रहे भाई, जैसे ना एस्केलेटर से इनसे हमारा काम भी कम है। देखिए, मैं बताना चाहूँगी कि पहले जो हम लोग बैग का इस्तेमाल करते थे, आजकल बैग में जो है वो टायर लग के आ रहे हैं, जो टायर होते हैं वो लग के आ रहे हैं, जिस कारण लोग अपने आप खींच खींच करके उसको ले जाते हैं। और एक चीज़ और है, एक्सीलेटर के द्वारा भी वो लोग अपना सामान अपने आप ही ऊपर चढ़ा देते हैं। आधुनिकता जो बढ़ रही है, कहीं ना कहीं किसी के पेट पर भी जो है लात मर रही है। सरकार को कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आधुनिकता सही है लेकिन किसी की रोजी रोटी पर अगर लात मरे तो ये चीज़ें गलत हैं। हाँ जी, जैसे हमें ये परेशानी, एक तो गवर्नमेंट हमें ये सुविधा नहीं दे रही, जैसे हमें काम करते करते यहाँ दम तोड़ देते हैं साहब। पक्के नहीं हैं आप? हाँ जी, पक्के नहीं है, तो उस वजह से हमें ये परेशानी जरूरी है। और एक हमें मेडिकल सुविधा, लाइसेंस से सरकार की तरफ से सैलरी मिलती है? सैलरी नहीं मिलती है। तो वो पक्के थोड़ी ना हुए? सरकार की तरफ से लाइसेंस, सरकारी में काम कर रहे हो ना, सैलरी नहीं मिलती। आप तो रोज कुआं खोद रहे हो, रोज पानी पी रहे हो। लालू जी ने किराया पक्का साहब, लालू जी ने किया। हाँ, रेल मंत्री बने हुए जब उस टाइम हमारे पक्का हो गया। तो कुछ लोग पक्के हैं, कुछ लोग नहीं गए हुए, लेकिन अब जो मौजूदा सरकार है वो लोग वो नहीं सुन रही, नहीं सुनवाई कर रही है। और अब जो जो हमारा ये जो पेंशन का वो है कि जैसे हमारा किसी भी कुली को चोट लग जाती है, ट्रेन से कोई हादसा हो जाता है, कोई मुआवजा नहीं मिलता, कोई मुआवजा नहीं मिलता उसको, डेड बॉडी को घर पहुंचाने तक के लिए पैसे नहीं मिलते कुछ ना हमारे लिए। बस पास है, बस एक पीटीओ पास, और कुछ भी सुविधा नहीं है हमारे लिए। अच्छा, आप लोगों के हाथ में एक बैच लगा हुआ होता है, वो कहाँ है बैच? ये देखिए, उससे नहीं लगा होता है क्या? मतलब जो दादा किए हैं, फिर पिताजी किए हैं, अब बेटा कर लेगा? हाँ, जैसे बेटे बाप बेटे के ट्रांसफर होते हैं, मतलब कई सालों से, कई सदियों से कोई काम करता आ रहा है फिर भी उसको पक्का नहीं किया जा रहा। हाँ जी, जैसे अब हमारे पिताजी का पहले, अब हम पे आ गया, जैसे हम पढ़ाई लिखाई, अब बच्चे इनकी फीस वीस नहीं भर पाया, जब पढ़ाई लिखाई गवर्नमेंट न्याज हुई को दे। अच्छा, जब ट्रेन आती होगी आपको बड़ी उम्मीद होती होगी ना, भाग के जाते होंगे कि अब ट्रेन आ गई, अब यात्री आ गए हैं, चलिए सामान लिया जाएगा और कुछ खर्चा पानी आएगा तो घर का खर्चा चलेगा। लेकिन यहाँ पे तो अब टायर लग चुके हैं बैगों में भी, और एस्केलेटर भी लग गया साहब। हाँ, 70% खर्चा हो गया ना।
जैसे 70% कम करते हैं, पहले आज से 27 साल पहले कुलीगिरी कराने बोझा मिला, ये बोझा नहीं मिल रहा, बहुत कम बोझा मिल रहा है। हाँ में 20 वोट हैं सब। हाँ अब ये बताइए, अगर जब आप घर जाते होंगे, घर तो अपने जाते ही होंगे, तो घर में बच्चे, बीबी, माँ बाप सब आस लगाए बैठे होते होंगे, भाई हमारा बेटा कुछ कमा के लेके आया होगा, कुछ लेकर आया होगा, हमारे लिए साड़ी लाया होगा, बिल्कुल हमारे लिए पापा टॉफी लाए होंगे, चॉकलेट लाए होंगे, हमारा ही पेट भारी पड़ जाए जब खांसे ले जाए बच्चे को जब ले जाए, जब थोड़ा बहुत भूजा मिलता है, जैसे देवे भी है जब मिल जाए, महंगाई बहुत होगी, खर्चा ही बहुत महंगा हो रहा है। कहाँ महंगाई हो गई, 5 किलो आप लोगों को राशन मिल रहा है? नहीं नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा, मिलता है 5 किलो यहाँ पे नहीं मिलता, कोई हमको नहीं मिलता, आज तक ही नहीं मिला जीवन से, कब भी नहीं मिला हमें तो। आपका बीपी कार्ड नहीं बन रहा? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं मिल रहा, नहीं सर नहीं। वर्दी वर्दी ये पहले लाइसेंस पोर्टर की ये वर्दी मिली और अब ये 5-6 साल से ये भी नहीं मिल रही, ये भी गवर्नमेंट नहीं दे रही, ये भी नहीं दे रही। हाँ खाली कह गए, ये भी पैसों की लाते हैं। सरकार तो कहती है कि मैं राशन दे रहे हैं हम लोग, नहीं 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 देती है सरकार, नहीं देती, कुछ भी नहीं देती, एक पास दे रही है भारत रेल हमें, नहीं कुछ नहीं देती। जब लॉकडाउन हुआ जब कह गए जरूर कह गए, 1-2 दिन 10-1 दिन को मिला, ना मिला राशन, राशन जे जाने हुए गवर्नमेंट, गवर्नमेंट थोड़ी ना दे रही, क्या पता हुए एनजीओ वाला कोई, हाँ कोई ने दिया। अच्छा ये बताइए, सरकार आप लोगों को पक्का नहीं कर रही है, तो अब कैसे आप लोग, कई बार जंतर मंतर भी अपनी मांगों को भी रखा आपने, तभी भी सरकार की तो कान ढके पड़े हैं, वो तो सुन ही नहीं रही है ना मैडम। हर बजट आता है, हर बजट आता है, हर बजट में हम इसी को गुहार लगाते हैं कि भाई हमको ग्रुप डी में दर्जा दिया जाए। अच्छा आप लोग ग्रुप डी की मांग कर रहे हैं? हर बार हर बजट में वो यही बात बोलते हैं हम, हर सरकार आती है तो इसी में कर दो पक्का, पक्का कर दो में बोझ उठावा भी तैयार है हम, जैसे गवर्नमेंट नो कह दे भाई आप बोझ उठाता जाओ, तनखा हम देंगे तो उसमें भी हम सही है, एग्री है। अच्छा रोज का कितना कमा लेते होंगे? जैसे 500 हो जाए, कितना 300 हो जाए, किसी दिन 300-250 भी होते हैं। जो मिनिमम मजदूरी होती है वो भी नहीं मिलती है इन्हें, जैसे 500-600 तो हो जाते हैं, मैं कोई दे जाए, जैसे आप जैसे आते कोई बड़ा ले भाई 150 रुपया ज्यादा ले लो। अच्छा ये बताइए, अब आप लोग सरकार तो जब मानती है ना, जब चुनाव होते हैं, आप तो चुनाव आ रहे हैं 2024 में, तो क्या आप लोग चुनाव का बहिष्कार करोगे? हाँ जो हमें साथ देगा उसका हम साथ रहेगा बस, कौन देगा साथ, किस पे भरोसा? हम सरकार का हमें तो भरोसा पक्का है, मोदी जी पक्का कर रहा है। अब मोदी जी कितने, अब कितने साल तो हो गए मोदी जी को, याद अब उम्मीद तो करी बैठे हैं, उम्मीद मोदी जी भी ये चमत्कार कर जाए तो सबसे अच्छी बात होती है ना। मोदी जी चमत्कार भी करते हैं, चलते चलते कर जाए तो अच्छी बात है, चलते 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 मोदी जी चमत्कार कर जाए, इनकी मांग है कि ये चमत्कार हो जाए, इनको पक्के हो जाए तो इनके साथ चमत्कार हो जाएगा, चाहे इसी में कर दो हमें तो, जैसे हमें पहले लालू जी करके गए वैसे मोदी जी कर जाए तो हम मोदी जी को नमस्कार करते हैं। तो यानी कि आप अपील कर रहे हैं मोदी जी से कि मोदी जी हमारे बच्चे भी आजीवन तक गुण गाएंगे उनके, मोदी जी इनको भगवान बिरेबेर समझेंगे। नहीं अगर करते हैं मोदी जी पक्का तो आप लोग, हम तो भगवान समझेंगे ईश्वर को, नहीं करते हैं तो नहीं करते तो हम फिर भी हमारा मेहनत करेंगे, कमा के खाएंगे, बस क्या करेंगे, मेहनत तो अभी भी कर रहे हो, अभी भी कर रहे हैं, मगर मोदी जी हमें पक्का कर, वोट 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 कितना बहुमूल्य वोट होता है, क्या उसका बहिष्कार करोगे अगर नहीं करती? मूल्य होता है वोट, एक अमूल्य होता है, बहुमूल्य होता है, बहुत मूल्य होता है, बहुत कीमती होता है ये वोट, वो आप लोग उसका बहिष्कार करोगे? जो हमारे लिए कुछ देगा उसके लिए हम कुछ देंगे, अगर नहीं देगा तो नहीं देंगे, नहीं देगा। अच्छा ये बताइए, एक घर में कितने वोटरों का नुकसान होगा यदि आप लोग बहिष्कार करते हो? नहीं 20 आदमी, 20 आदमी एक परिवार, हमारे 20 आदमी है परिवार को लेकर। हाँ, हम तो उसको जब यानी कि कई हम कहें तो लाख लोगों का नुकसान हो जाएगा, लाख वोटों का। हाँ जैसे हमारे जैसे कागे 5 लाख वोटों का, हम तो कागे देश भर में कितने कुली होंगे? 20,000 तो उनको मल्टीप्लाई अगर 10-20 हजार लोगों से कर दिया जाए तो कई लाख बैठते हैं।
नहीं हमें तो बहुत हुआ है, हमें तो बहुत उम्मीद है। तो इसकी गलत थोड़ी कर रहा है, गलत नहीं करे हमारे लिए। अगर गलत आपको पक्का नहीं करते तो आप तभी भी दोगे उन्हें वोट? नहीं तो हमारे लिए गलत किया ही नहीं उन्होंने वोट, आप आपको पक्का नहीं किया ना उन्होंने, तो पक्का नहीं किया था अगले पहले बारी सरकार, उन्होंने 70 साल हमको कौन सा पक्का करके दे दिया? मतलब आप चाह रहे हैं कि जब उन्होंने नहीं किया तो ये भी ना करे? ना ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इन्होंने गलत भी नहीं किया, अलग से नहीं किया तो गलत भी नहीं किया, सब ठीक है भाई। जब एक ही काम कर दिया पूरा हिंदुस्तान में मोदी जी ने, तो हमारा ऐसा काम नहीं होगा। आप लोग डर के मारे तो नहीं बोल रहे कि हम अपनी अगर पीड़ा व्यक्त कर देंगे मोदी जी का, अगर हम गुणगान नहीं करेंगे तो हमको कहीं ना मोदी जी लगा दिया जाए। मोदी जी ने अच्छे अच्छे काम किए, आप लोगों पर कोई दबाव नहीं है, मगर हम दबाव तो नहीं है, जो सच्चाई है वो है। सच्चाई है, मोदी जी से भिक्षा मांग रहे कि हमें कर जाओ तो बहुत खुशी की बात है, लग रहा है वो दयालु है, कर देंगे, दयालु है वो कर देंगे, बस यही हम तो भिक्षा मांग रहे हैं। उनने देश के लिए बहुत कुछ कर दिया था, कुली गली नहीं करेंगे वो, बहुत कुछ करेंगे हम तो हाथ जोड़ के। हम भी यही चाहते हैं कि कुलियों की जो मांग है वो पूरी होनी चाहिए, इन्हें ग्रुप डी में डालना चाहिए, और इनके जो दुर्घटनाएं घट जाती है तो इनको मुआवजा भी मिलना चाहिए, जो कि बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इनके पीछे इनका परिवार है, इनको ध्यान में रखते हुए इनकी मांगों को सरकार को पूरा करना चाहिए।